साला, आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बहन बेटी के दरवाजे के सामने आकर उसका सर झुक ही जाता है। दुआ सलाम ना सही, अंदर आकर जलपान तो करते जाइए। हम इस वक्त बहन के भाई नहीं, पंचायत के सरपंच है। क्या तुम ये भूल गए कि जिस घर का मुकदमा पंचायत में हो, उसका फैसला हो जाने तक हम उस घर का पानी तक नहीं पीते। एक बार फैसला हो जाने दो, उसके बाद साथ बैठकर जी भरकर खाना खाएंगे। फैसला जरा सोच समझ कर करना गजरा साहब। जगन्नाथ सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी बहन का भी बेटा है। कहीं कुछ गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। चलो धर्मराज। मेरी बेटी लकड़ियां चुनकर आ रही थी। रंजीत सिंह के बेटे जगन्नाथ ठाकुर ने इसकी इज्जत लूट ली। हम गरीब हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। अब कौन इससे शादी करेगा? अब कौन इसका हाथ थामेगा? आप न्यायमूर्ति हैं, आप ही फैसला कीजिए मालिक। इस बात का कोई चश्मदीद गवाह है? मैं हूँ मालिक। तुम्हारा पायल से कोई रिश्ता है? जी हाँ, मैं इसकी काकी हूँ। तो फिर तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। गवाही सिर्फ उसकी मानी जाएगी जिसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस लड़की के खानदान से उसका कोई रिश्ता ना हो। है कोई ऐसा साक्षी, ऐसा गवाह? मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें दो वक्त की रोटी, दो गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। यह हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच, जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए। इस दो टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तू नहीं जानता जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और बालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं।
कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश। मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती, जिसे वो अपनी मनमानी करे, रोंदे, कुचले। इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है? तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरे औकात मेरे सामने खड़े होने के भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज साकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़के के जन्म जात नाम इसकी कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ मांग भर इसकी। गजराज सदा सकी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी। भैया, मेरे भाई को मार डाला, मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रंजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। बाबूजी, धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए, जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। धर्मराज, आज से हम भरतपुर कस्बे के न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी, बाबूजी, भैया, बाबूजी। Ha 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 ha